गुड मॉर्निंग बेटा, लेट्स कंटिन्यू विद द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट एक्सरसाइज 1.3। इन दैट वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू रिप्रेजेंट इन डेसिमल एंड द काइंड ऑफ डेसिमल। नेक्स्ट इज हाउ टू ऐड द इरेशनल नंबर। एज यू नो दैट रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, दे आर ऑल इरेशनल नंबर्स। रूट ऑफ द प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज irrational. If you want to add root 2 with root 2, what will be the answer? 2 root 2. Root 3 plus 2 root 3. 3 root 3. Okay. Next is 2 root 2 plus 5 root 3 root 2 minus 2 root 3. Add them. Add these two. Answer of this is 3 root 2 plus 3 root 3. You can take 3 common, that will be your answer. Write down 6 root 5. Pushti, shift to the next bench. 6 root 5 multiply by 2 root 5. 6 root 5 multiply by 2 root 5. Six root five, two root five. Multiply करना. Six twos are 12. Root five into root five is? That is 6. Clear? Eight. Two fives are 10. Root 3 into root 2 is root 6. Clear? Root 60 divided by root 5.
root 60 upon root 5, that will be root 60 upon 5. When you will cancel out, answer is root 12. Root 12 can be written as 4 threes are 12, and out of 4 you can take 2 out. Likh sakte hai na? Root 12 ko 2 into 2 into 3, 2 root. Okay, so you can't leave the answer as root 12, it should be 2 root 3. Clear? Write down 5 root 7. Plus minus 2 root 7. Solve these. किसका प्लस है, क्या आएगा? टेन प्लस टू रूट सेवन, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 root 7. 10 plus 2 root 7, एंड यू कांट एड 10 and 2 root 7 बिकॉज दे आर unlike terms. 10 and 2 root 7 are unlike terms. A constant, a root, may you can't add them. So answer will be 10 plus 2 root 7. 10 plus, next karo, 4. Answer will be 4. Multiply karo inhe. Pehle plus kar rahe the na, ab multiply karo. गया रोल नंबर लिख लो जो प्रेजेंट है वो. यस, आंसर ऑफ दिस पार्ट इज 0. 0 आ रहा है. 5 plus root 5 ब्रैकेट ओपन -5 - √5. Answer is 0. Next, minus minus plus, plus minus minus. Root 5 cancel. Answer is 10. All of these are getting multiplied. Book band karo.
a plus b, a minus b, that is a square minus b square. A minus b, a plus b is a square minus b square. 5 square is 25 minus root 5 square. 5, root 5 का square क्या होता है? समझ आया? A plus b, a minus b, which is equal to a square minus b square. The value of a is 5, value of b is root 5. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 square माइनस रूट फाइव स्क्वेयर. 25 माइनस 5 20. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट इज डिफरेंट क्वेश्चन. यू कांट अप्लाई द फॉर्मूला. वाई? इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते. क्यों? टर्म्स आर डिफरेंट. क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, फिर प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को. कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे इसको? टू मल्टीप्लाई बाय टू माइनस रूट प्लस रूट थ्री इंटू टू माइनस रूट थ्री. करो मल्टीप्लाई एंड कलेक्ट द लाइक टर्म्स. नहीं, किसका? हाँ, फर्स्ट वाले का. किस पूरे का? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 रूट 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 रूट 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे रूट 6. सॉल्व नहीं होता, ये आंसर आ गया. आपने इसको काट दिया, सेम नहीं है. अगर सेम ही होते तो फिर तो फॉर्मूला लग जाता. नेक्स्ट जसलीन, हाउ यू विल सॉल्व नेक्स्ट पार्ट? आर टर्म सेम? फॉर्मूला लगेगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वेयर माइनस ए. क्या है यहां पे? ए क्या है? रूट 11. और बी क्या है? रूट 7. ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होएगा? 11 माइनस रूट 11 का स्क्वेयर 11, 7 का स्क्वेयर 49. आंसर इज, अच्छा रूट 7 है. अगर 7 होता तो 49 आता. ठीक, क्लियर है? Solve this. हाँ, इसका स्क्वेयर करो ना, 3√2 का स्क्वेयर करो. क्या आएगा ये? 3 कहाँ लिख रहे हो? बाहर आएगा. यहां लिखने का मतलब होता है क्यूब रूट बन गया. ऐसे है, 3 अलग है. 3 का स्क्वायर रूट 3, रूट 2 का स्क्वायर क्या बन गया? 6 बन गया. 3 का स्क्वायर 9 बोल रहे हो आप, क्या आ गया? दोबारा सोच लो एक बार. हाँ, तो 9 2 क्या होता है?
फिर वैसे लिख रहे हो, अभी समझाया आपको थ्री बाहर आएगा, तो समझ में नहीं आ रही, जैसे मैंने लिखा था ये ऐसे आएगा, आप फिर लिखते जा रहे हो, वैसे लिखा है, उसके अंदर नहीं लिखना, ये बाहर ऐसे इधर आएगा, ये थ्री अलग आएगा, क्या आएगा आंसर इसका, आंसर क्या आएगा, -14। मैम जो सेकंड पार्ट है मैम, उसमें हमने वैसे करना है जैसे 4 × 2 − √3 − 7 × 2 − √3। हाँ जी, ओके मैम। आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज -14, सेकेंड पार्ट इज 14 ये आंसर स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। अप्लाई द फॉर्मूला, कैन यू टेल मी विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई हियर? ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ए इज 2, बी इज √5। भवंश का नेम लिख लो, सौम्य, भवंश सौम्य। ये जो प्रेजेंट है इनका लिख लो, 8 ये हो गए, रोल नंबर लिख लो चाहे, मैं अभी आपको ना थर्ड पीरियड में पेज दे दूंगी, फिर आप लिख लेना। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4, √5 का स्क्वेयर 5, 4 + 5 कितना हो गया 9, −2ab, 2 × 2 × 5, 2ab का है ना, ए ये है बी ये है, 2ab, तो 2 × 2 = 4, 4 √5।
नाइन प्लस नहीं ठीक नहीं लग रहा है, 14। ये देखो आपने प्लस कर दिया क्या, 7 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 2 14, 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे -7√5, √11 को इससे करोगे (2√11), इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -√55। करो नेक्स्ट, दीपकीर्ति कौन सा फॉर्मूला है फर्स्ट वाला, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करो अप्लाई फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट का 5 -2√6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, रूट लिखो, करो सॉल्व। नेक्स्ट, ये किसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले की एक साइड लिख रहे हो, दूसरी साइड कौन लिखेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, सारी जगह यही की है, वेरी गुड, प्लस का है, ठीक कर रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ही आना, फॉर्मूले में लिख भी रहे हो फिर भी पूछ रहे हो, फिर देखो 2 कैसे लिख रहे हो, आपको मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही। हाँ स्टार्ट नेक्स्ट, ए माइनस बी ए प्लस बी, डन। जसलीन लास्ट क्वेश्चन बोलो कैसे करेंगे, फॉर्मूला बता दो कौन सा, क्या होता है, ए क्या है यहाँ पे, बी क्या आएगा आंसर, बोलो, √3² - √5² ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह √3, बी की जगह √5, √3² - √5² क्या होगा, √3 का स्क्वायर उसको बोलने दो, √5 का स्क्वायर 3 - 5 -2। अर्णव बोलो, इज द फर्स्ट नंबर टर्म 2 - √5 रैशनल और इरैशनल, इरैशनल बोलो। नव्या नेक्स्ट, बोलो पुष्टि, सेकंड टर्म, फर्स्ट कौन सी टर्म है, कैसे, Why this number is irrational?
ये रैशनल है, ये इरेशनल है. रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस हमेशा इरेशनल होता है. जब भी किसी टर्म में एक इरेशनल टर्म आ गई, अगर वो रिमूव नहीं हो सकती तो वो इरेशनल है. जैसे यहाँ पर इफ यू ओपन द ब्रैकेट, ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे. आंसर इज 3 एंड 3 इज अ रैशनल नंबर. रूट सेवन कैंसिल. आंसर इज 2/7 विच इज अगेन रैशनल नंबर. नेक्स्ट इरेशनल. How you will solve this? How you can solve this? By rationalizing. इसका rationalizing factor क्या है? Root 2. Root 2 से multiply, root 2 से divide. Root 2 by 2. Root 2 अब remove तो नहीं हुआ ना, root में है ना, तो it is irrational. Pi जहां आता है वो क्या होता है? Root 17. 17 is a prime number and root of prime number is always irrational. Start exercise 1.5. Question number 2. First we have done. This was question number 1. Start question number 2. Start solving. मैं discuss कर दूंगी, वैसे अभी कुछ है नहीं surety. That will depend upon the type of paper. If MCQs are there, maybe incomplete number line will be given. And you have to just complete the part. ठीक है? Construction, I am not sure that I will tell you later on when it will be discussed. Start question number 2, exercise 1.5. First we have done. ये plus कहाँ गया? Careless mistake मत करो. Answer of the first part is, दिखाओ क्या आ रहा है. सिक्स प्लस थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री प्लस रूट सिक्स. आई एम रिपीटिंग, सिक्स प्लस थ्री रूट टू प्लस थ्री रूट टू. सिक्स प्लस थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री प्लस रूट सिक्स. Start next part. Answer is 6. Tomorrow we will be able to finish this chapter from the book and then we will start MCQs of this chapter. Okay, whatsoever knowledge you have gained from this revision that you will apply to solve the MCQs. हाँ जी, सेवन प्लस ए रूट फाइव स्क्वेयर प्लस रूट टू का, नहीं रूट फाइव प्लस रूट टू का स्क्वेयर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर. तो सेवन प्लस टू रूट टेन, यही आएगा ना, प्लस आएगा. सेवन प्लस टू रूट टेन, 2ab, लिखो 2ab. जब आपको पता है ये सारी स्पेस खाली, आप यहां से क्यों स्टार्ट करते हो? यहां से नहीं स्टार्ट कर सकते?
स्टार्ट नेक्स्ट डन बोलो आंसर थ्री विच फॉर्मूला यू हैव यूज्ड ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर इज थ्री स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव द इफ रूट इज गिवन इन द डिनोमिनेटर देन यू विल रैशनलाइज इट एंड द नंबर दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड इन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर डू यू नो दिस थिंग अगर वहां पे रूट टू था डिनोमिनेटर में तो रूट टू का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट टू था और अगर डिनोमिनेटर में आपके पास इस तरह से है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा टू माइनस रूट थ्री एंड यू कैन से इट एज कॉन्जुगेट इट इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर और कॉन्जुगेट ऑल्सो